राम राम जी, स्वागत है हमारा जिनवाल फैमिली ब्लॉग में आप सबको। कैसे हो आप सब? देखिए मैं कितनी सारी शॉपिंग करके आई थी कल रात को। मेरे सारे कपड़े खराब हो रहे थे तो इन्होंने कहा चल ले ले कपड़े। कितने लाए आज? तो कम है। कितना? कितने? आज तो सात ही है। सात सूट लेके आइए। देखो आज कम है, नहीं तो 14-15 सूट लेके आती है। मैं एक साथ ही कपड़े लेती हूँ, एक साल में एक साथ ही दिलाते हैं मुझे कपड़े। फिर मैं बोलती नहीं, बीच में मैं लेती नहीं हूँ, वही चलाती रहती हूँ एक साल। और ये आपकी पहली बार गई लेने? नहीं तो हमारे घर पे आते थे वो भैया। हाँ, कपड़े वाले वो आ नहीं रहे काफी दिन से, मैं उनका वेट कर रही थी। तो मैं रात को गई थी तो मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाई। आपने रील्स में देखा होगा मैं गोलगप्पे खा रही थी तो मैं वहीं पे गई थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे सूट कैसे लगे। आपको दिखाओ। देखिए खोल के ऐसे दिखा दो, खोल के और काम। बैठ जाना, बैठ के दिखा। देखिए जी, हम कोई ज़्यादा दुकान से वहाँ से नहीं लाते, शोरूम से हम बाज़ार से ही लाते हैं। आपसे हम ही उन्हें कहेंगे शोरूम से लाए हैं। ये देखिए, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कितने सुंदर सुंदर कलर लाई है रानी आपके। आपके थोड़ा हट के कलर लाई, लाल पीले काले तो बहुत पहन लिए, आपके थोड़ा हट के कलर लाई हूँ। और कमेंट, ये गाजरी है, ये येल्लो है, ये भी हल्का गाजरी है, और ये पिंक है लाइट पिंक, ये भी लाइट पिंक है, और ये ग्रीन है हल्का ग्रीन। मैं फिर आपको बता दे रही हूँ, हम मैं कोई ज्यादा वहाँ से। और ये वाइट पे फ्लावर बने हुए हैं, अब मुझे नहीं पता कौन सा। पहनूंगी तो शायद आपको अच्छे भी लगे। और एक और लाई हूँ, ये मैं लाई हूँ फ्रॉक वाला, ऐसे पहन के देखूंगी, मैंने कभी पहने नहीं ये ऐसे, लेकिन पहने तो है लेकिन इतना नहीं पहना, वीडियो नहीं बनाई कभी। पहली बार मतलब बनाएगी अब, और अलग सा लाइए कुछ। आप बताना कमेंट में कैसा लगा ये बहुत खुला वैसे, हुआ है। वैसे ये नाइटी का भी काम करेगी ये बहुत खुला हुआ है, इसे फिटिंग भी कराना पड़ेगा अभी, और थोड़ा ऊंचा भी कराना पड़ेगा। तो ये भी ज्यादा महंगा नहीं है जी, ये भी बहुत सस्ता है भाई। हम इतने और महंगे कपड़े नहीं पहनते, हम सस्ते ही पहनते। और यही है, और अगर आप कहोगे तो खोल के दिखाऊंगी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि एक हाथ तो खोल देती हूं ना। खोल दे, चुन्नी भी दिखा देती हूँ, चुन्नी भी सबकी बहुत बड़ी है। टू सेट में वाइट एंड ऑरेंज। कमेंट में बताना आपको कैसे लगा। अब इनको मैं एक ये सूट तो आपको दिखा दिया खोल के, एक सूट और दिखाती हूँ खोल के। ये इनकी पसंद के सूट है, इनको पसंद जी जाके पसंद है, पहनती है रानी। और मैं कभी इनके बिना कपड़े नहीं लेती, यही कपड़े दिलाने जाते हैं। अरे इसका दुपट्टा तो बहुत अच्छा रानी। प्लाजो है ये तो? हाँ ये प्लाजो है, मैं दुपट्टा कह रही हूँ, दुपट्टा भी ऐसा ही है। अरे वाह, ये तो शरारा बना हुआ है। हाँ ये तो सही कराने की भी जरूरत नहीं है, बहुत लूज है, सही ये है। तो बस सिर्फ कुर्ती सिलेगी इसकी। आप कमेंट में बताना कैसा लग रहा है ये। बहुत सुंदर लग रहा है सही में। और इसकी चुन्नी ये है, चुन्नी ये इसकी चुन्नी तार से खींच रहे हैं इसमें लंबे लंबे। ठीक है, अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छे हैं। और देख चुन्नी पूछो कितनी छोड़ी है, सही है ना मुंह ढकने के लिए, हल्की भी है, हल्की भी है, गर्मियों के हिसाब की हमारे। अब मैं इनको एक एक दो दो करके सिलवाऊंगी, क्योंकि सारे एक साथ सिलवाऊंगी ना तो खराब कर देते हैं सही कपड़े, इसलिए एक एक दो दो करके सिलवाने चाहिए। ऐसे मैंने दो सूट सिलवाए, मेरी चुन्नी गायब कर दी टेलर ने, कह रहे हैं डाल दो ना चुन्नी गायब हो जाती है। और एक बार मैंने 7-5 सूट डाले, सलवार किसकी बना दी, कुर्ती कौन सी बना दी, ऐसा कर दिया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, सही है। अब बस राखी आएगी, रानी राखी पर लगेगी क्या, ये पहन के जाएगी इनमें से ही देखेंगे तो बताएगा, दिलांगे जीजा ऐसे बात ना। हाँ साड़ी भी पहन सकती हूँ। हाँ ये भी बात है, राखी आने वाली है, पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं, ये भी सूट बहुत प्यारा है। हमारा पक्का नहीं पता, लेकिन अब खोलूंगी नहीं, खोल के अभी काम पड़ा करके सारा टाइम हो गया। ये नहीं दिखाए, बस मैंने खोल के चार सूट दो दिखा दिए ना, पास से दिखा देती हूँ ना। ये गला है,
ये इसका गला है, इसकी चुन्नी भी अच्छी है, चुन्नी सबकी अच्छी। तेज रानी मम्मा देखो बाजार गई थी आपको छोड़ के, हैं बोल दो कोई बात नहीं, और गोलगप्पे भी खा गई थी मम्मा, करवा दे तू मेरे फजीते। जैस आपके लिए नहीं लाई मम्मा गोलगप्पे, कहते कोई बात नहीं ले जा रहा है, ले ले जा पहन ले जा, इसका जरूर बताना ये आपको कैसा लगा। नाइटी अच्छी लग रही, फिटिंग होके बहुत अच्छा लग रहा, ये मेरी मम्मी के भी आ जाएगा, मेरी मम्मी लंबी चौड़ी है। हाँ मम्मी के बिल्कुल सही आएगा, पर मम्मी पहनना है ऐसे कपड़ा, लेकिन अब मम्मी को लेके दूंगी है ना, मैं देखेंगे मम्मी लगा ये मम्मी को ही दे दूंगी। हाँ सही कह रही है ना, सिलवा ले तो मम्मी आएगी पता ना कब। फ्रेंड हम काम वाम करके सो गए थे पूजा और मैं, अभी हमने वीडियो शुरू करी है शाम की अपनी, तो अपने शाम के चाय वाय पी ली हम सब ने, बर्तन बर्तन भी हो गए, एक दो गिलास पड़े वो मैं अभी धो दूंगी। तो अब मैं बना रही हूँ घी के कोफ्ते, घिया मैंने कस लिया है इसके अंदर ही है, कस लिया, बेसन डाल दिया, इसमें थोड़ा सा डालती हूँ सोडा। अब पूजा तैयारी कर रही है रोटी की, पूजा रोटी बनाएगी, रोटी बनाएगी, मैं सब्जी बनाऊंगी। आपको सुबह लगती है ना रानी, दिखती है रोटी बनाती है, अब मैं दिख रही हूँ, सुबह मैं बनाती हूँ रोटी, शाम को ये बनाती है रोटी, और सुबह ये सब्जी बनाती है, मैं रोटी बनाती हूँ, शाम को मैं सब्जी बनाती हूँ ये रोटी बनाती है। हमारा काम बहुत आसान है, हमारे घर में काम तो ऐसे चलता है ऐसे पानी की तरह। फटाफट फटाफट, तो इसमें मैंने डाल दिया है धनिया, यहाँ डाल रही हूँ मिर्ची, मिर्ची थोड़ी सी हम तेज खाते हैं, हमारे घर में थोड़ी सी तेज खाते हैं मिर्ची। नून ना दिख रहा मेरे को, नून का नून है पीछे, नून का मतलब नमक, नमक। तो मैंने सारा सामान डाल दिया है, मिर्च नमक हल्दी सब डाल दिया है, अब मैंने हाथ धो लिए क्योंकि डब्बों में थोड़ा सा मिट्टी विट्टी रहती है ना, इसलिए हाथ धोने पड़ेंगे अभी। बहुत देख लो तुम, दो अभी रखाड़ी देख लो, रोटी ना है बहुत है, रोटी ना सुबह की सही बनाई, बहुत से लोग होते हैं आटे में नमक नहीं डालते, बहुत से होते हैं डालते हैं, हम डालते हैं, हमें बिना नमक की रोटी अच्छी नहीं लगती। हाँ। कोई खाएगा नहीं रोटी, खाता नहीं गया, दाल बनाई, दादी भी अच्छी बन रही, अंदर से मन नहीं करा, अंदर से मन नहीं करा खिचड़ी बनाने का, लेकिन अब बना ली। मैं इधर अपने कोफ्ते की तैयारी कर रही हूँ, थोड़ी मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है गैस की, तो इसीलिए डॉक्टर ने ना मुझे मना करा है आलू घिया, घिया तो बताया आलू बेसन गैस वाली चीजें जो नहीं खानी, जो आधा बेसन बचाया था ना तो तुम उसी से हो गया, खोलने की जरूरत तो है नहीं बहुत है ना। अभी शायद मैं ना अभी मैं पूजा पूजा दवाई लेने जाएगी रोटी बना के, मैं जाऊंगी सूट डालने, एक सूट डाल दूँ फटाफट से, देखती हूँ कैसा सिलेगा, फिर सिलता तो अच्छा है लेकिन अब वही है ना काम ज़्यादा होने लगता है, बच्चों का तो चीज़ ख़राब कर देते हैं, इसलिए मैंने सोचा पहले एक कुछ सिलवा कर देखती हूँ, बाकी मैं बाद में डालूँगी, खाना बना के जाएंगी, पूजा भी जाएगी, पूजा दवाई लेने जाएगी, देखते हैं अभी पक्का नहीं पता, कहीं आप फिर कमेंट में बोलो आपको कह रहे थे वहाँ जाओगे, क्योंकि टाइम के ऊपर बात है, बच्चे अभी ट्यूशन में है, बच्चे आ गए तो शायद टाइम ना भी मिले, बच्चे लेकिन चले जाऊंगी इधर जाएगी दवाई लेने, देखते हैं तेल हो गया खाना बन रहा है, दोनों बन रहा है खाना गर्म बन रहा है, मेरी जमीन।
पकौड़ी हो रही है, इसने मैं कर दूँ प्याज और टमाटर और मेरी गैस खाली रोटी के लिए, गैस खाली रोटी के लिए। इसको मैं थोड़ा सा कर दूँ दूर ताकि हम दोनों दिखे आपको। हमने वो स्टिक ले लिया ना, तो हमें थोड़ा सा आसानी हो गई है ब्लॉग बनाने की, वीडियो बनाने की। पूजा दूध कहते रहते थे कि कौन बनाएगा हमारी वीडियो, कौन बनाएगा हमारे ना तवे का कटूट को बहुत बार जुड़वा लिया हमने, लेकिन हमारी रोटी ज्यादा बनती है ना आगे पीछे आगे पीछे, तो दुबारा पर टूट जाता है। अरे पागल हो चुके नहीं कहीं कहोगे आपने, देखो दवा कैसे ले रखा है, हमने दवा कैसे लेकर ले रखा है, हम चिमटे से आगे पीछे करते रहते हैं लोग। सुबह आटा थोड़ा सा बच गया था। और कमेंट में जरूर बताना मेरे सूट आपको कैसे लगे, अच्छे लाइए तो अच्छे लगेंगे बताओ। नहीं ये होता ना कि फोन में कुछ और दिख जाती है, अच्छे अच्छे सारे सूट अच्छे लाइए। हाँ सूप ले सारी पकौड़ी से खानी पड़ेगी, थोड़ी सही कर। सही है, लोई बना के रख देते हैं ना, तो लोई बनाने से ये होता है फायदा कि गैस भी बचती है और टाइम भी बचता है, रोटी जल्दी भी बनती है। हाँ जी और मेरे एक बार के पकौड़ी उतर चुकी है, दूसरे बार को कर दी है। आवाज जा भी रही होगी तुम्हें तो, हाँ थोड़ी तेज बोले तो जाएगी तेज, तो बोल बोलो। इधर प्याज और लहसुन भी कर दिए पकौड़ी डाल कर के। टिप्टो नहीं हम लोग अपने टिप्टो मुझे बहुत अच्छी लगती है दोनों बहनें, वो भी दोनों बहनें एक घर में है, वो भी दोनों बहनें एक घर में, बहुत सी हैं जो बहनें दोनों एक घर में, एक वो राशि वो भी दोनों बहनें एक घर में, और वो किट्टू वो भी एक घर में, हम भी एक घर में, बस दो पति अलग अलग है एक घर में। Let's get together for a chat. रोटी और अब मैं बनाऊंगी कल की भिंग हुई खिचड़ी, अभी धोती में से अच्छी तरह से, और रानी जी बना रही हैं पकौड़ी खाने के लिए, पकौड़ी बन रही है मैं खा नहीं सकती, तो खा मुझे मना करा है तरी हुई चीज, लेकिन एक आदमी से कुछ नहीं होता, खा दूंगी यार, मन है मन कर जाए इंसान हूँ। चाहे कान यहाँ से पकड़ो चाहे कान यहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है। मुझे लग बना रही है मेरी अब खिचड़ी, अभी मेरी पकौड़ी बन रही है, अभी पकड़ी नहीं है अभी बन रही है, थोड़ा टाइम लगता है ना पकौड़ी सीखने में, कोई नहीं अपनी रात है जब मर्जी खाओ जब मर्जी बनाओ, लेकिन हमारे घर से जल्दी बन जाता है। अभी हो गया ना, अभी चाय ले मांगा दो दिन बालों से बाद में चाय लेंगे। कोशिश करेंगे नाइट में जाने की, कोई खत्म हो रही तो लेके आना है रानी।
अभी जाने के लिए अभी नहीं खाऊंगा मैं, चाय बनाई थी जब खाऊंगा पकौड़ी। तो रानी जी अब बनाने वाली हैं चाय, तो पहले सब्जी बन जाए बच्चे भी आ गए बच्चे ट्यूशन से। कोई बात बताऊं? हाँ। भी नोई रूड पे आप खाते आ रहे थे? हाँ खाता था, फिर मिली, फिर मैं जा रही के नीचे उतर गई, फिर मैं भी छाने लग रही, फिर लॉलीपॉप दे दी, फिर मैं जाने लगा तो गोदी से उतर के फिर पैदा घर में से निकाल ली, मुँह से निकाल ली। हाँ। बताओ परी उस दिन उधर जाके उधर जाके उधर जाके परी ने मेरी नहीं ली है गाइस, जैस की नहीं ली है परी ने लॉलीपॉप, राघव के मुँह में से निकाल ली। वो बहुत छोटी है, छोटी सी है परी, एक साल की है। हाँ एक साल की है, गिर जाएगा फोन, चलने लग गई गाइस। वो पापा आपकी लॉलीपॉप ले लेंगे, फिर आने की देर ना हुई, लड़ाई चालू हो गई इनकी। अच्छा। ये जैस के तो बहुत अच्छे चलते हैं। देखो फिर भी मार रहा है, देखो फिर भी मार रहा है, देखो कुंडी लगा ली उसने। बस तब तो तार देते ना भारी। मेरी सब्जी बन चुकी है कोफ्ते की, और इसको मैं खाली कर रही हूँ। जैसे मैं माँज दूंगी ना, बड़े बड़े बर्तन सारे खाली करके माँज देते हैं हम। सब्जी बन चुकी है, अभी खाना किसी ने खाया नहीं है, अब खाएंगे। मैं फोन करेंगे सबको, खाना खाने आ जाओ, खाना खाने आ जाओ, सब बाहर रहते हैं इस टाइम। हाँ क्या हुआ है? जाओ खेल लो ऊपर, मैं काम कर रही हूँ, परेशान मत करो। पूजा दवाई लेने गई है। हाँ बन गया, बस दे रही हूँ 2 मिनट। ठीक है बस बन गया, ये खाना लेने आ रहे हैं आपको, इनको खाना दे दूँ। तो इधर पूजा की खिचड़ी भी तैयार हो गई है। हाँ बेटा क्या दूँ? चप्पल, चप्पल आप लो, मैं खाना बना रही हूँ ना, चप्पल को हाथ नहीं लगाऊंगी अभी, ठीक है? तो पूजा गई अभी डॉक्टर के, उधर इसकी खिचड़ी में तैयार हो गई है। मैं थोड़ा पानी डाला, गाड़ी हो गई थी, उसको पकाना है। और मेरी सब्जी भी तैयार हो गई, इधर ये खाने लग गए अक्कू, ये खाना खाने लग गए हैं। पूजा गई डॉक्टर के, मेरा जाना शायद नहीं हो पाएगा, अभी ये पूजा कर रहे हैं।
बर्तन वर्तन सब धुल गए, खाली कर करके अभी गैस साफ करनी रह गई है। और ये मैं आटा छान रही हूँ सुबह के लिए, क्योंकि हम सुबह के लिए आटा रात को ही छानते हैं, क्योंकि सब काम ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता, आटा छानने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम रात को ही छान के रख देते हैं आटा। सुबह उठ के अपने किचन विचन का साफ सफाई करके अपना काम शुरू कर लेते हैं। और पूजा अभी तक नहीं आई, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, लड़ रहे हैं दोनों। आपको आवाज़ भी आ रही होगी पीछे से, दोनों लड़ रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं दोनों, वो कहना वो कह रहा पूजा मम्मी का ही फ़ोन चाहिए, वैसे मेरे फ़ोन में देखेगा, लेकिन अब देखो दोनों में लड़ाई हो रही है, एक इधर है एक उधर है। राघव आप बड़े हो, दे दो, ओए लग जाएगी भाई के, गंदी बात है। फेंकने की क्या था, फोन रिमोट, तो आपसे ही सीखा वो भी ये सारी चीजें। अभी मम्मा आएगी ना, आप दोनों को बताएगी अच्छी तरह, आने वाली है देख दवाई लेके, फिर आप दोनों को बता। गंदी बात होती है, भाई को मारते नहीं है। मैं जाती हूँ थोड़ा काम संगवा के, फिर इनको देखती हूँ जी। अब देखते हैं पता नहीं कितनी देर में आएगी, मैं काम संगवा लूँ थोड़ा सा अपना। ये हमारा काम हो चुका, हमने खाना भी खा लिया, सबने खा लिया, और मैं आ भी गई दवाई लेके, दवाई लेके आ गई। इसके थोड़ी सी बीपी वीपी की दिक्कत हो रही थी ना, इसकी दवाई चल रही है। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर कीजिए। हाँ, और लाल बटन दबाना मत भूलिएगा। और यहीं हम अपनी वीडियो एंड करते हैं, और कमेंट अच्छे अच्छे करना कैसी लगी हमारी वीडियो आपको। हाँ, कोशिश कर रहे हैं हम, चलो जी वीडियो में अच्छी बुलाने की। गुड नाइट, गुड बाय, राम राम जी, राम राम।